हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विकास डी एस सॉल्यूशंस पर। इस वीडियो में हम जो 2016 में आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हुए थे, आरआरबी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो उस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ऑलरेडी इसके चार वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, ये पाँचवा वीडियो, यानी लगभग 200 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ये 250वां क्वेश्चन इस सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ, 200 से 250 तक। तो इसको डिस्कस करते हैं और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट होंगे, क्योंकि रेलवे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और ये क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पर्यावरण के अध्ययन को, ये विज्ञान पर जरूर क्वेश्चन आते हैं, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। इंग्लिश में भी हो सकता है नाम, हिंदी में भी हो सकता है, सेम है, ठीक है। इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में इंग्लिश में भी हो जाता है नाम और हिंदी में भी हो जाता है। तो पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं। पल्लव वंश का राजा जिसने कहानियां लिखी थी, यानी ऐसा कौन सा राजा था जो नाटक वगैरह लिखता था? तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। पल्लव राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट, क्राइस्ट की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है, तो ये आपको पता होगा, जो ईसा मसीह हैं उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ मौजूद है? तो मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं, ईसा मसीह हैं, दोनों हाथ फैला के खड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसी तरीके से है। कहाँ पर है? ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो, सुना होगा इसका नाम आपने, 2016 में यहाँ पे ओलंपिक्स भी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार किसने किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो माउस जो है जो कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजल बार्ट ने किया था। और माउस एक कैसा डिवाइस है ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जो सेना है उनका प्रमुख कौन होता है? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, तो सर्वोच्च जो कमांडर है सेनाओं का वो होता है राष्ट्रपति। और तीनों सेनाएं वैसे रिपोर्ट किसको करती हैं? तो वो CDS होता है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पहले बने हैं बिपिन रावत। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो वो है अनुच्छेद 19 में, ठीक है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, इंटरनेट चलाना भी हाल ही में इसी में शामिल किया गया, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। चुनाव आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये उस समय का सवाल था, तो ये करंट का सवाल था, तो ये हटा दो, अभी वर्तमान में आपको याद रखने, ठीक है, कौन है। नेक्स्ट, रेलवे बजट 2016 किसने प्रेजेंट किया था? तो ये अंतिम रेलवे बजट था, इस पे इसलिए क्वेश्चन आ गया, रेलवे का एग्जाम भी था, तो ये अंतिम बार रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था 2016 में। 2017 से एक ही बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तो अंतिम रेलवे बजट प्रस्तुत किया था सुरेश प्रभु ने, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो ये काम करता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है, ये आपको पता होना चाहिए दही में। UHT का फुल फॉर्म क्या है? तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है, बहुत अधिक तापमान। पहला चाइनीज जो गुप्तकाल के दौरान आया था, तो फहायान आया था, ठीक है, किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। एक और चाइनीज आया था जो काफ़ी फेमस है यात्रियों का, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है यात्रियों में, तो वो है हुएनसांग, ठीक है, वो आया था हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? सबको पता होना चाहिए, बैडमिंटन। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये अक्सर हम टिक कर देते हैं झांसी, तो ऐसा नहीं है, वहाँ से वो लड़ी थी लेकिन ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। कंप्यूटर का दिमाग, मास्टरमाइंड ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब मेन जो कंप्यूटर में होता है वो क्या करता है? ब्रेन का मतलब सारी प्रोसेसिंग वो करेगा, तो CPU होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी कहाँ पर? दौलताबाद या देवगिरी, ठीक है, महाराष्ट्र में है ये, ऐसे भी आ सकता है किस राज्य में ले गया था, तो महाराष्ट्र में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोबियम, ये भी बता चुका हूँ। दलहनी फसलें जो होती हैं, दालें जो होती हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, मदद करता है नाइट्रोजन को, पेड़ों को प्रोवाइड कराता है नाइट्रेट के रूप में, क्योंकि पेड़ लेते हैं डायरेक्ट, तो लेते नहीं है कि नाइट्रोजन सोख ली, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं उसको। विच इज डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया? तो केरल है, उस समय का सवाल है करंट का। मानव वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है, पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, फॉर्मूला पूछे तो N2O, ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है N2O, हास्य गैस, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, पहले तो यही पता आपको होना चाहिए, तो टेहरी बांध है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको जब नदियाँ पढ़ाया था। और किस नदी पर है ये? उत्तराखंड में भागीरथी पर, ठीक है, भागीरथी ऑप्शन में नहीं है तो गंगा होगा।
पैरी चॉकलेट किसके द्वारा बनाई गई थी, ऐसा एक नई क्वेश्चन जरूर आता है जो इस जो मतलब संस्थापक वगैरह होते हैं इन्वेंटर उन पे, तो हर चीज़ तो याद नहीं रख सकते, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो छोड़ दो, लेकिन जितने याद कर सकते हो उतने कर लो। तो हरनान कॉर्टेस थे, ठीक है। दुनिया की सबसे जहरीली मछली कौन सी है, तो पफर फिश है। पफर फिश होती है, मोटी सी हो जाती है छुओ तो, ठीक है, वो होती है पफर फिश। प्रधानमंत्री जिन्होंने अधिकतम समय तिरंगा फहराया, तो जो सबसे ज़्यादा अवधि तक रहे होंगे प्रधानमंत्री वही तिरंगा फहराएंगे, तो सबसे अधिक अवधि तक कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है, ठीक है, कोई हर साल 15 अगस्त को फहराते हैं। अगला सवाल, दिल्ली की इकलौती महिला शासक, तो ये पता होगा, बहुत आसान सवाल है, रजिया सुल्तान इकलौती महिला शासक भी हैं, ठीक है। विश्व विरासत दिवस कब होता है, 18 अप्रैल को होता है, याद रखना। दीपा कर्माकर किससे संबंधित हैं, जिम्नास्टिक्स से संबंधित है, काफ़ी न्यूज़ में रही थी कुछ समय पहले ही, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव किस उपकरण द्वारा मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दबाव को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल शहर कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशियंट, यानी कि बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती एनर्जी की, तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक, ठीक है। अगला, हाइड्रो पावर प्लांट का कार्य, हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है, तो ये जो पानी की काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पानी ऊंचाई से छोड़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर वो एकदम से तेजी से आएगा नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को परिवर्तित करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अगला है, एशिया में बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर बोरोबुदूर मंदिर है, ये कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में है, जावा में, ठीक है, जावा द्वीप है इंडोनेशिया का वहाँ पर। 1987 ऑस्ट्रेलियाई विश्व कप विजेता टीम के कप्तान एलन बॉर्डर थे, ये ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कुछ बहुत पुराने, तो आता है तो आता है, इस तरीके के सवाल होते हैं ये कुछ, ठीक है। ब्लैक गोल्ड काला सोना किसको कहते हैं, कोयला को, और तरल सोना किसको कहते हैं, पेट्रोलियम को, ठीक है। हीरे की प्रमुख सामग्री, हीरा बेसिकली किससे बना होता है, हीरा जो रूप होता है वो किसका होता है, कार्बन का ही होता है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, कई बार बता चुका हूँ, शुक्र, यहाँ पे बुध मट्टिक करना, ठीक है, मरकरी नहीं, वीनस। अगला, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश जो बंगाल और इसके आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर इन्होंने शासन किया, और पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश में ही एक राजा रहा है धर्मपाल, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, सबसे शक्तिशाली भी माना जाता है इस वंश में, और उस पर जो बार बार क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन क्वेश्चन बने, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो वो गुप्त शासक था कुमारगुप्त, उसने की थी, ठीक है। पेसमेकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, किससे संबंधित है, तो ये पेसमेकर उनके हृदय में लगाया जाता है, हृदय से संबंधित होता है, जिनकी धड़कन ठीक से काम नहीं करती है, तो ये एक आर्टिफिशियल एक तरीके से हम ये लगा देते हैं, तो ये वाइब्रेशन करने में मदद करता है, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये 12 सदस्य किए जाते हैं। किस क्षेत्र से होते हैं, कला विज्ञान साहित्य इन सब क्षेत्रों से हो सकते हैं, ठीक है, समाज सेवा। और ये प्रक्रिया हमने ली कहाँ से, तो ये ली है आयरलैंड से, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा गया था, तो ये क्वेश्चन देखो पुराना है लेकिन बहुत फेमस जगह थी, पाकिस्तान में मारा गया था अबोटाबाद में। किसने मारा था, यूएसए के द्वारा मारा गया था, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एक फेमस बड़ा दर्रा है नाथुला दर्रा, भारत और चीन के बीच में है, और जब भी लड़ाई होती है भारत चीन के बीच तो अक्सर ये बंद कर देता है चीन, ठीक है, व्यापार यहाँ से होता है, तो ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है, नाथुला दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाथुला जेलेपला ये सब सिक्किम में है। गोलकोंडा का किला कहाँ पर है, हैदराबाद में है, इसको याद रखना, गोलकोंडा का किला है हैदराबाद। गोलकोंडा की खान से ही कोहिनूर हीरा निकाला गया था, ये भी याद रखना। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सेलम है, और ये है कहाँ पर, ये पूछ सकता है, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर बांध भी है आंध्र प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए, कृष्णा नदी के किनारे है ये, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, चीज़ें लिंक हो जाती हैं बहुत सारी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय वायसराय कौन था, तो जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, ये आपको पता होना चाहिए। और जब ये 1947 से 48 तक रहा है, फिर जब 48 में भारत के इकलौते और अंतिम भारतीय वायसराय कौन रहे थे, या गवर्नर जनरल हम कह सकते हैं, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, जो पहले व्यक्ति भी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। उच्च गति वाले ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ भारत का पहला जिला, यानी हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ पहला जिला कौन सा है, तो ये उस समय का करंट का सवाल है, इडुक्की जिला है, कहाँ पर है, केरल में, इडुक्की बांध सुना होगा, पेरियार नदी पर हुई। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, यानी सर्जरी के जो फादर है, वो किसको मानते हैं, तो ये आपने सुन रखा होगा सुश्रुत, इन्होंने ही सर्जरी वगैरह की थी, है ना। अच्छा, एक देवता है जो
ये आयुर्वेद के देवता कौन से माने जाते हैं ये बताइएगा, ठीक है? कमेंट में मेरे को आयुर्वेद के देवता कौन, ठीक है, एक हिंदुओं में कौन माने जाते हैं। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक यानी WWW जो है उसके संस्थापक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रख लेना, रट लेना। चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाता, किसके चुनाव नहीं करवाता, भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग सारे चुनाव करवाता है, केवल स्थानीय चुनाव को छोड़कर, लोकल इलेक्शंस को छोड़कर। और लोकल में क्या आ जाएगा, पंचायत और नगर पालिका है, यानी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। क्लियर। जामा मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाई थी, तो दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह, तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था वो था स्पुतनिक वन, और ये किसने लॉन्च किया था, तो पहला देश कौन सा था, वो था रूस, ठीक है। भारत भी वर्तमान में अपने जो यात्री हैं उनको अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश कर रहा है, गगनयान 2022 के तहत 3 भारतीय जाएंगे, रूस में ही उनकी ट्रेनिंग होगी तो वो जाएंगे ऊपर, ठीक है। जो आपने सुना होगा पहले भारतीय जो आसमान में गए थे या स्पेस में गए थे वो कौन थे, तो वो थे राकेश शर्मा। चंद्रमा पे नहीं गए थे, कभी कभी डाउट हो जाता है कि चंद्रमा पे गए थे, लेकिन वो भारतीय तो थे लेकिन भारत ने नहीं भेजा था उन्हें, ठीक है, उन्हें असल में रूस ने ही भेजा था, ठीक है। तो भारत का भी अब जाने वाला है गगनयान 2022 में, ठीक है। टोटल अमाउंट कैन बी क्लेम्ड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके तहत ये बीमा राशि है, कितनी क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख की बीमा राशि है। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस और डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो गया है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर थे तो इनको आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। कई सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, आसान है, नहीं आते हैं जो उनको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बीच में 2 दिन वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए नहीं बना पाया था, लेकिन अभी रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।